हेलो फ्रेंड्स, मोनो फिटनेस में आपका स्वागत है। आज जो हम वर्कआउट करेंगे तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी कि अगर आप ये वाली एक्सरसाइजेस करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक तो आपका कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, दूसरा कि अगर आप जहां जहां का एक्स्ट्रा फैट जो है आप उससे बहुत परेशान है, रिड्यूस करना है, नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस की पर नहीं हो पा रहा है, जिम ज्वाइन किया, बहुत कुछ किया, तो ये वाला अगर आप वर्कआउट करते हैं घर में बैठे बैठे ही आपका जो है, अगर मेरे साथ ये वाला एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप देखिए 100% श्योर ये है कि आपका जो फैट है बहुत टाइम से आप बहुत परेशान है। तो अगर ये वाला एक्सरसाइजेस करते हैं तो देखिए आपको जो है पहले ही दिन से एक तो रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि कितना आप ये वाला जो है आपके लिए बेनिफिट देगा ये वाला एक्सरसाइजेस, और 21 दिन अगर आप लगातार फॉलो करेंगे तो देखिए 100% श्योर है कि आपका जहां जहां का जो एक्स्ट्रा फैट है कब रिड्यूस हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बट हाँ, ये वाली जो एक्सरसाइजेस आपको स्किप नहीं करनी है, कंटिन्यूसली आपको जो है अपनी डेली लाइफ में 5 मिनट जो है आपको जरूर देने हैं हर रोज, कोई डे स्किप नहीं करना है बल्कि आपको हर रोज करना है। जितना हो सके उतना बढ़ाने का कोशिश करें, दिन में अगर सुबह टाइम मिल रहा है, शाम में टाइम मिल रहा है, आफ्टरनून में भी जब भी टाइम मिल रहा है जरूर ये वाला वाला वर्कआउट करें, और वॉक करना ना भूलें, और एक्सरसाइजेस जो है आपको फॉलो करनी है, ठीक है। बाकी की जो टिप्स है वो मैं आगे बताऊंगी वीडियो के आखिरी में। तो क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जो है स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है कंप्लीट, जिससे क्या होगा कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हमारा जो पहला एक्सरसाइज होगा, हम क्या करेंगे, हमने ऐसे रहना है स्क्वाट पोजिशन में, ठीक है, ऐसे पोजिशन में बनाना है अपनी पोजिशन को, और फिर हमने थोड़ा सा अपने जो है ऐसे ट्विस्ट करना है, ठीक है, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं ऐसे आपने ट्विस्ट करना है। एक जो हाथ है हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको हमने थाइस में रखना है, और इसको राइट को हमने इसमें करना है, थोड़ा बॉडी को ट्विस्ट करना है, मेरे साथ आपने रिपीट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आपने देखा ये वाला जो था थोड़ा सा स्क्वाट एक्सरसाइज था, स्क्विटिंग एक्सरसाइज था, हमारा जो बॉडी है काफी ट्विस्ट हो रहा था। तो अगर ये वाला जो वर्कआउट है, अगर आप दिन में अगर 100 100 के 3 सेट्स बनाते हैं उसको करते हैं तो देखिए पहले ही दिन में आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आपने 100 100 के 3 सेट्स बनाने हैं, 3 राउंड्स में इसको कंप्लीट करना है। इसे आपका यहाँ का वेस्ट फैट, हमारा थाइस फैट, हमारा आर्म्स का जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होगा, उसको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम लॉन्ज एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे हाथ खड़े करूंगी, आपने भी मेरे साथ रिपीट करना है, ऐसे हाथ करते हुए हमने कोशिश करना है पैर को टच करने की, ठीक है। इस साइड आएंगे, ट्विस्ट करेंगे हम, फिर मीन्स राइट साइड से टच करेंगे, ठीक है। मेरे साथ आपने भी रिपीट करना है, हाथ सामने की तरफ करते हुए, 1, ऊपर ले जाना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, धीरे धीरे करें, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आपने देखा ये वाला जो वर्कआउट है बहुत अच्छा वर्कआउट है, इससे क्या होगा कि हमारा जहां जहां का जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है, थाइज, हमारा टमी, हमारा आर्म्स, ऑल बॉडी वर्कआउट कर रहा है, और हमारा बॉडी जो है वो भी फ्लेक्सिबल बनता है और कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। तो ये वाला वर्कआउट जरूर करना है, इससे इसके क्या करना है, आपने
20 20 के आपने 3 सेट्स बनाने हैं, 3 राउंड में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी, अपने दोनों हाथ जो ऊपर करना है ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसे करना है, अपने नेज को टच करना है, मेरे साथ काउंट करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आप देखिए, आपको काफी इफेक्ट मिला होगा, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है वेट को रिड्यूस करने के। हमारा स्टमक जो एक्स्ट्रा फैट बाहर को निकला हुआ, उसको फैट का रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्प करता है, थाइस का एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो आपने क्या करना है, इसके जो है 100 100 के 3 सेट्स बनाने हैं, 3 राउंड्स में इसको कंप्लीट करना है। लास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐसे ही खड़े रहना है, ठीक है, आप स्क्वाट बना ले। अभी मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पैर को टच करना है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, स्पीड 14, 15। तो आपने क्या करना है, इसके भी आपने 15 15 के आपने 4 सेट्स बनाने हैं, 4 राउंड में इसको कंप्लीट करना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है, अगर आपने दिन में अगर 3 टाइम अगर आप फॉलो करते हैं तो देखिए, जहां जहां का जो आपका एक्स्ट्रा फैट होगा तो आप रिड्यूस हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये वाले एक्सरसाइजेज जरूर फॉलो करनी है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, आई होप गाइस आज का जितना मेरा वर्कआउट था आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। मेरे सारे वीडियोस आपने फॉलो करने हैं, योगास के वीडियोस देखने हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपने क्या करना है, जितना वर्कआउट कर रहे हैं उसमें जरूर आपने जो है हेल्थी डाइट को फॉलो करना है, 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। आपने दिन में जो है मॉर्निंग में 60 सेकेंड, इवनिंग में 60 सेकेंड आपको वॉक जरूर करना है, लिफ्ट का जो यूज है अवॉइड करें। अगर बहुत ऊपर तक आप जा रहे हैं, मीन्स आपका बिल्डिंग है, आप काम कर रहे हैं, तो अगर 2 से 3 जो है आप फ्लोर आप चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, पर जितना हो सके उतना अवॉइड करने का कोशिश करें, ठीक है। स्टेयर्स का ज्यादा यूज करें, वॉक ज्यादा करें, घर में जो है नंगे पैर ज्यादा चले, जिससे बहुत हेल्थ जो बेनिफिट्स हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है। और आपने हाई फाइबर एंड प्रोटीन से रिलेटेड आपने फूड लेना है, पानी ज्यादा लेना है, जूस पीना है, सैलड खाना है, खुश रहना है, ठीक है, मोटिवेट रहना है, और एक्सरसाइज को फॉलो करना है, स्किप नहीं करना है, जितना हो सके उतना ज्यादा करने का कोशिश करें। और जिससे क्या होगा कि हम फिट पर रहेंगे, हम दिन भर के ज्यादा से ज्यादा आप काम कर पाएंगे, एक्टिव रहेंगे और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।